अच्छा जी, हमारे यहाँ अलहमदिल्ला नूडल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और आपके भाई की कुछ इस तरह की हालत हुई है, आंखों से भी पानी निकल रहा है, शायद नाक से भी निकला है। ठीक है, फ़न के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा ना खाएं, मसला हो सकता है। अभी मिर्चें मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लग रही हैं, पहली बाइट में तो इतनी नहीं फील हुई, बट अब मुझे मिर्चें जो है काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस जो है वो फील हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। छोटा सा शूट है और मुझे कॉल आई है शोरूम से कि भाई आप आ जाएँ और आके जो है वो वीडियो बना लें। तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं, आपका भाई हाजिर है, हम कभी भी इनकार नहीं करते वीडियो से, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी डिसीजन लेते हैं जी, देखते हैं क्या बनता है अपना। बहरहाल कुछ ना कुछ करना है, वीडियो बनाने भी चलते हैं, वीडियो के बगैर आ नहीं जाता हमसे, तो वो तो अपना रेगुलर काम है ना। लो सी, देखते हैं। ये हमारी मैजिकल खिड़की खुली, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, ये देखें नज़र, हल्की हल्की ड्रिजल, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो जानी है, वैसे भी वो जितनी दूर है मैं तो वैसे गाड़ी पे खप जाना है। अच्छा जी, जो उस दिन मैं आपको दिखा रहा था ना वो ये है, ये चेक करें जरा, ये यहाँ पे ये लगा है। ठीक है, अब वो कैरी डब्बे वाला, मैं यू टर्न लेने था, मैंने इंडिकेटर दिया हुआ था, तो कैरी डब्बे वाला मेरे बिल्कुल आगे खड़ा था, तो ऐसे छोटा सा एक स्पीड ब्रेकर आता है वहाँ से लगा है कैरी डब्बे का, वो जो बम्बू सा होता है पीछे, उसको ये टच हुआ है और वो कुछ करके आवाज़ आई थी, मुझे लगा कुछ टूटा है, लेकिन मैंने लिखा बचत होगी, लेकिन ये आप इतना सा पेंट है ना ये उतर गया है। और नीचे भी ये देखे ना, ये तो खैर पहले से ही है, ये रगड़े रगड़े आप शहर में होगा आपकी गाड़ी बच जाए ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक चीज़ लेके आया था कल, हम ना घर का सामान लेने गए थे, यहाँ से ले सकता हूँ, ये चेक कर लें। मैंने ना देखे थे, मैंने कहा यार मैं भी ट्राई करूँ कनौर के जी, क्या है जी ये जी, ब्लेजिन फ्लेवर्ड इंस्टेंट नूडल, आम नूडल ही हैं लेकिन ये काफ़ी महंगा है, आम नूडल से कोई कह रहा था कोरियन नूडल है, बहरहाल जो भी है, लेकिन यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। तो ट्राई करते हैं आज ये कितने की स्पाइसी है। वैसे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है जी फ्लेवर्ड इंस्टेंट नूडल ब्लेजिंग टू टाइम स्पाइसी, चलो हम चेक करते हैं कितने की स्पाइसी है। हम लोग जब भी व्लॉग बनाते हैं ना, हमारे व्लॉग्स में 99% यही कंटेंट शामिल होता है, और ये सुबह 6:45 बजे से लेके ना रात इशा टाइम तक यही काम होता है। मैं घर में जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं सर पकड़ के बैठता होता हूँ, यार मैं क्या बनाऊँ, कभी कोई सब्ज़ी बेच रहा होता है, कोई प्याज बेच रहा होता है, कभी कोई कबाड़ वाला आ जाता है, कभी कहता है जी बाल दबो तो 1000 रुपया लबो, तो यही महलों में काम होता है, तो यही काम होता है, 1.5 घंटा लेट आती है। पानी अपनी गैस हमारी जो आ गया है, पानी हम अपने बॉयल करने के लिए रख दिया है, थोड़े थोड़े बबल्स बनने शुरू हो गए, मैं कहा तब तक हम इसको रखें कि इसके अंदर क्या निकलता है जी, दुकानों के ऊपर मास्क वगैरह भी मिलते हैं। नूडल तो मुझे वैसे ही लग रहा है दिखने में, ये जो पैकेट है ना सारा कमाल होना है इसका, इसके ऊपर राइटिंग भी काले रंग की है, तो देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है नूडल्स के अंदर भी कोई चीज़ डाली है, तेज़ है। अच्छा जी, ये मैंने खोल लिया अभी, तो सूंघने में तो मसाला ही लग रहा है तेज़, और इधर चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा मिर्चें, काफ़ी ज़्यादा मिर्च है, तो पता लग जाएगा भाई कितना स्पाइसी है। अच्छा जी, अभी हमारा जी मैंने ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में पानी थोड़ा कम डाल दिया था, अब ज़्यादा डाला है, और उसके चक्कर में यहाँ से उंगली भी जलते जलते बची है, क्योंकि इससे मैं इसको हिला रहा था और ये अचानक से रुक गया। अभी ये दोबारा, वैसे दिखने में काफ़ी मिर्चें हैं, तेज़ लग रही हैं, खैर अभी हम इसको खाएँगे तो फिर आपको ये रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, हमारे नूडल्स रेडी हो चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको सब्ज़ियों के साथ ना मिर्चों का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा, रेडनेस रेडनेस है, तो अब ये कि हम लोग इसको ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं। असल में नीचे बच्चे बड़ा तंग कर रहे थे, तो देख के भी मतलब ना मिर्चों वाला कॉम्बिनेशन बनाया हुआ, तो आज हम आपको फूड रिव्यू देंगे कि ये कैसे हैं, और पहले तो पहले फूक मार लें और अभी ट्राई करते हैं। स्पाइसी हैं बट उतने नहीं हैं कि जितने उन्होंने, अभी थोड़ी सी स्पाइसीनेस हुई है, मतलब उतने नहीं हैं जितने उन्होंने बताए थे कि 2 टाइम स्पाइसियर, बड़ों के लिए ठीक है लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं ठीक, क्योंकि बच्चों को तंग कर सकते हैं। आपको ब्लेंड फील होता है मिर्चों का, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का नहीं होता, क्योंकि एक ब्रांड है ना, तो ब्रांड वो वाला काम तो करता नहीं कि जाली लेवल वाला है,
तो स्पाइसेस हैं, आपको स्पाइसी लगता है लेकिन उस लेवल का स्पाइसी नहीं होता जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देसी खाना स्पाइसी होता है, वो वाला काम नहीं है। वो जो नॉर्मल पैकेट आता है वो 40 रुपए का आता है और ये मेरे ख्याल में शायद 170 या 75 रुपए का है। सही है, मिर्चें लग रही है भाई। अच्छा जी, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नूडल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। कुछ इस तरह की हालत हुई है, अभी आंखों से भी पानी निकल रहा है, शायद नाक से भी निकला है। ठीक है, फ़न के लिए ठीक है लेकिन ज़्यादा ना खाएं, मसला हो सकता है। अभी मिर्चें मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लग रही हैं, पहली बाइट में तो इतनी नहीं फील हुई बट अब मुझे मिर्चें जो है काफ़ी ज़्यादा स्पाइसिस जो है वो फील हो रहे हैं। अच्छा जी, तो पहला गैरत में नतीजा जो है वो निकला है नूडल खाने का। मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। अभी मैं ना असल में निकलने लगा था, ड्राइविंग लाइसेंस मेरा जो है वो एक्सटेंड होना था, अब वो एक्सपायर हो जाना है 30 तारीख को इसी महीने की। अभी कॉल आ गई है कि यार को फ्रॉड का रौला बना हुआ है गाड़ी का, तो मुझे भी वहाँ पे जाना पड़ रहा है। मेरे जानने वाले वो कह रहे तुम साथ चले जाओ, और अगर वो ना सॉल्व हुआ तो फिर हम उसके बारे में एक वीडियो भी बना देंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे ताकि लोगों का पैसा ना डूबे। तो ऐसे एक बंदा बेचारा जो है ना 5-6 लाख रुपये अपना फंसा के बैठा हुआ है। हम लोग शोरूम पर पहुँच गए, बस अभी हमने वहाँ पर निकलना है, कंपनी के साथ निकल उनकी बात वगैरह हो गई है, तो बस सेटलमेंट वगैरह के बारे में पूछना है। तो जो भाई हैं जिनकी गाड़ी है उनको भी बुला लिया कि आप भी आ जाएं, और कैंसिलेशन वगैरह क्या है। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे उसी कंपनी के ऑफिस में और फिर देखते हैं। पहले भी थोड़ा सा गए थे वहाँ पे, गर्मा गर्मी भी हुई थी, तो मेरा भी ब्रादर आना मशवरा है, मेरा अपना भी 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस। चलो यूट्यूब का ही सही है, गाड़ियों वालों के साथ मेरा मिलना भी होता है, जब भी कोई चीज़ खरीदे तो तस्दीक ज़रूर करें। खैर अभी देखते हैं क्या बनता है हमारा, मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो जी शोरूम वापस आ गए, मामला जो है वो सारा हल हो गया। मैं कहा आपको बैठ के ना थोड़ा सा गाड़ी को अंदर ही समझा देते हैं, और ये क्या ज़रा शोर कम आएगा। और हुआ ये था कि बस एक ना कंपनी है प्राइवेट, दरवाज़ा बंद कर लें, एक प्राइवेट को कंपनी बनी हुई है जिन्होंने जी गाड़ियों का जी बहुत कम मार्कअप है, मतलब बैंक का अगर 25% है तो वो जी हम 7% पे आपको जो गाड़ियां है ना वो दे रहे हैं। इस तरह अगर एक बंदा था वो बेचारा फंस गया इनकी बातों में, वो है भी सरकारी मुलाजम था, पता नहीं कैसे फंस कैसे गया। तो खैर वो एक साल हो गया था गाड़ी की जी आज डिलीवरी दे रहे और मैं तो यार आन हो रहा था, वो कहते हैं सेकंड हैंड गाड़ी देते, और सेकंड हैंड गाड़ी की डिलीवरी कितनी मतलब देते हैं। तो खैर वो उन्होंने कहा जी हम हफ्ते वाले दिन भी गए थे वहां पे, और उन्होंने कहा जी आप कैंसिलेशन डाल दें तो हो जाएगी, लेकिन हमारा आज ऑफिस बंद है। एक आधा बंदा उनका मिला था, तो अभी जो है आज फिर एक सिफारिश थी बहुत मतलब तगड़ी, रेफरेंस से कॉल गई थी उनको, और उन्होंने मेरे ख्याल में शायद उनको जरा काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुनाई, तो उस वजह से थोड़ा सा वो बैक स्टेप पे चले गए, बैक फुट पे चले गए, तो उन्होंने फिर वो जो मामला जो है हल कर दिया। हम लोग आज गए हैं जाकर उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है जी आपको चेक दे देंगे। वैसे वो कहते नॉर्मली हम लोग जो है वो पूरा प्रोसीजर चलते हैं, लेकिन जी वो रेफरेंस था तो कोई नहीं हम आपको दे देते हैं। तो भाई मेरी एडवाइस ये है कि जब भी कभी भी आप इस तरह कोई काम करना चाहें तो पहले तो तस्दीक करें उस चीज़ की कि वाकई वो ऑथेंटिकेशन है उसके नहीं। अब आप एक दफ्तर मैंने देखा, वहां पे 5-6 टेबल्स लगे, वहां पे स्टाफ बैठा, फीमेल ज्यादा थी, और ना वहां पे कोई गाड़ियों के बारे में कोई चीज़। इवन मुझे ख्याल है कि उस जो वो स्टाफ है ना उनको भी गाड़ियों का इतना नॉलेज नहीं था। ठीक है, वो बैठा हुआ है वहां पे ना, वो वहां पे सिर्फ बाइक खड़ी, बाहर वाली साइड पे बाइक खड़ी करने की जगह है। अगर इस तरह कोई कंपनी हो तो कुछ स्टॉक में गाड़ियां भी होती हैं, भाई ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, इस तरह का खैर कोई सीन नहीं था। तो बहरहाल ये कि कभी भी इस तरह का काम हो तो पहले तस्दीक करें, सिर्फ कंपनी की ना करें, बाहर से भी पता करेंगे भाई इसमें कोई है किस तरह का नहीं। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फ्रॉड होते हैं, और आपको पता है कि आज के दौर में गाड़ी लेना पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा चैलेंज है, खासकर वो बंदा जो अपनी 5-6 साल जोड़ के एक फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाह रहा है, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो हमेशा तस्दीक करें, और इस तरह की जालसाज कंपनियों के साथ जो है ना अपने आप को भी बचाएं। मैं अभी किसी का नाम भी नहीं लूंगा ना मेंशन करता हूं, अगर कोई पंगा होता तो फिर ऑब्वियसली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना देनी थी अपने मेन चैनल पे और फेसबुक के ऊपर, लेकिन अभी खैर वो मामला सॉर्ट आउट हो गया, तो मैं नाम नहीं किसी का भी लेना चाह रहा। तो वही सारा काम करके हम जी आज वापस आए, और अभी आपका भाई का अभी भी पेट जल रहा है, और अभी मुझे नूडल खाए हुए 5 घंटे हो चुके हैं, तो मसला उसने किया। तो खैर वो चैलेंज वाली वीडियो थी, मैंने कहा चलो आज चैलेंज चेक करते हैं। तो वीडियो भी यहीं रैप अप करते हैं, पसंद आई तो लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।